रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आप कह सकते हैं हेडलाइंस के बारे में जान पा रहे थे, जिसमें मित्रों आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे विलयन की आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता है क्या? वी अपान वी वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आयतन प्रतिशतता। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पूर्व हमने भार प्रतिशतता के बारे में बताया, फिर भार आयतन के बारे में बताया, और मित्रों आज हम लोग जान पा रहे हैं आयतन प्रतिशतता के बारे में। 100 ml विलयन में विलयन विलेय की मिली लीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे वी अपान वी परसेंटेज से डिनोट करते हैं, बराबर विलेय का आयतन मिली लीटर बटे विलयन का आयतन मिली लीटर में गुणित 100। ठीक, 100 ml विलयन में विलयन विलेय की मिली लीटरों की संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर विलयन भी मिली लीटर में होगा और विलेय भी मिली लीटर में, यानी आप कह सकते हो दोनों लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। तो ऐसे जो फार्मूले बनेंगे उसे हम लोग विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एकाक दो क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 50 ml H2SO4 को, हमारे पास H2SO4 है, कितना है 50 ml, यदि 50 ml H2SO4 को 200 ml जली विलयन में घुला हुआ है तो विलयन की आयतन प्रतिशतता बताइए। दरअसल विलेय की मात्रा 50 ml है और विलयन की मात्रा कितना है 200 है, तो आप ये बताइए अगर हमें आयतन प्रतिशतता निकालना होगा तो विलेय की मात्रा ऊपर रखेंगे बटे विलयन, विलेय 50 है, विलयन कितना है 200 गुणित 100 बराबर ये 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 25%। राइट, तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग निकाल पाए कितना आया है 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। HCl के 500 ml जली विलयन में 200 ml HCl उपस्थित है तो विलयन की आयतन प्रतिशतता बताइए। मित्रों हमने कहा HCl के 500 ml जली विलयन में 200 ml HCl उपस्थित है, भाई ये जली विलयन है, इसमें 20 ml HCl उपस्थित है, 20 ml है, तो इसके आयतन प्रतिशतता आप बताइए क्या होगी। ध्यान दीजिए विलयन की जो मात्रा है 500 ml है, विलेय की मात्रा 20 ml है, फार्मूला लगा दीजिए आयतन प्रतिशतता का, तो 20 बटे 500 गुणित 100, 2 0 कैंसिल हुआ, 20 चौका 100, ठीक 5 चौके 20, तो यहाँ पर 4% आया। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग समझ पाएँ विलयन की आयतन प्रतिशतता के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।